ओके सो हे गाइस दोस्तों वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप का एडिटिंग। सो गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेजेस का यूज करूंगा जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग जो इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोग कुछ बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। तो अब चाहिए थी कि आपके यहाँ क्या करना है, आपको जब आप बैकग्राउंड को ओपन करोगे तो आपको जाना है ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को अपने मॉडल को ऐड करना है। एंड गाइस मॉडल को ऐड करने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको गाइस देखिए मॉडल को कुछ स्टेप्स ऐसे आपको यहाँ पे ग्रास के पास रख देना है, ठीक है। तो एंड गाइस इसमें एक चीज़ की जो हमारी प्रॉब्लम आएगी जो कि मतलब कि यहाँ पे ग्रास तो दिखेंगी नहीं ना पैरों पर, तो ग्रास के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए गाइस आपको सिंपली पहले फोटो को डन करना है। एंड उसके बाद अपनी फोटो यहाँ से लेके चलना है आपको ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में ले जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे एक ब्रश मिल जाएगा, ठीक है, ग्रास वाला, नीचे स्क्रॉल करना आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना आपको यहाँ पे गाइस सिंपली यहाँ पे कलर्स के लिए आपको करना, आपको यहाँ से प्रेस करना स्क्रीन पे। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जो भी कलर है आपको ग्रास का यहाँ पे इस तरीके से ले लेना है। एंड आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको ऐसे पेंट करना है। एंड गाइस इसका जो साइज़ है भी थोड़ा बड़ा है तो हम इसको छोटा कर लेंगे, तो उसके लिए हम ब्रश पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर हमारे सामने जो साइज़ खुल के आ जाएगा, फिर हम इसका साइज़ छोटा कर लेंगे। एंड गाइस के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ तरीके से हम जो है यहाँ पे हम ग्रास बना लेंगे, ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को भी इसी तरीके से बनानी है, तो मैं इसको फटाफट करता हूँ यहाँ पे थोड़ा। अब गाइस हमारा इतना काम हो चुका है। अब गाइस इसमें इतना करने के बाद आपको क्या करना, आपको जाना ऐड फोटो में। गाइस यहाँ से जो एयरप्लेन का जो पीएनजी है आपको सिंपली इसको ले लेना है, ठीक है। तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो हम इसका सिंपली ऐड कर लेते हैं। एंड जो बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा है उसको इग्नोर करना है, ठीक है, क्योंकि यार रात के टाइम वीडियोज़ बना रहा हूँ ना यार, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है यहाँ पे, तो यार उसको थोड़ा इग्नोर करना आप। तो आपको जब देखा पीएनजी को गाइस कुछ स्टेप से आपको रोटेट करके अपना हैंड पे रखना है, एंड इसकी ओपेसिटी आपको कम कर लेना ताकि जो आपको इरेज करने में थोड़ा ईजी हो जाए। तो आप हम हार्डनेस फुल कर लेते हैं, फोटो को जूम करते हैं। एंड इस फोटो को जूम करने के बाद जो है आपको साइज़ वगैरह जो है ब्रश का वो भी छोटा मोटा कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। एंड इसको छोटा करके आपको सिंपली यहाँ पे रेस करना कुछ इस टाइप से, तो हम इसको अच्छे तरीके से कर लेते हैं। सो गाइस इतना जाने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली अपनी फोटो को कर देना है डन। एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, ठीक है। एंड मतलब उससे पहले एक पीएनजी लगा लेना गाइस, यहाँ पे विगनेट का आपको एक पीएनजी दे दूंगा मैं, ठीक है। तो आप उसको भी ऐड कर लेना, उसके बाद डन करना है, ठीक है। तो आप हम इसको यहाँ पे कुछ स्टेप्स पीएनजी को लगा लेंगे एंड यहाँ पर डन कर देंगे। फिर उसके बाद गाइस आपको अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है। एंड सेव करके जो है गाइस इसको लेके चलना है आपको लाइट रूम ऐप में, क्योंकि बिना रिटच के तो हमारी फोटो बिल्कुल अधूरी है, तो उसको हम लाइट रूम ऐप में ले चलते हैं। एंड गाइस लाइट रूम में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे जाना पहले लाइट वाले ऑप्शन में। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको उसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको हल्का सा कम करना है, जो हाईलाइट है इसको यहाँ पे हल्का सा बढ़ा देना है। एंड जो शेडो है इसको यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको वाइट, आपको उसको यहाँ पे जो है बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नहीं ब्लैक, आपको उसको माइनस कर देना है। फिर आपको जाना कलर्स में, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड इसके ऊपर जो टेम्परेचर दिख रहा है आपको उसको सिंपली बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको जाना कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को आपको हल्का सा माइनस करना है। एंड उसके बाद ल्यूमिनस जो है इसको बढ़ा देना है। फिर उसके बाद गाइस आपको ये करना है, आपको लेना है येलो कलर, आपको उसका ह्यू माइनस करना है एंड सैचुरेशन प्लस कर देना है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे लेना है डार्क ब्लू, आपको उसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन यहाँ पे प्लस कर देना है। अब उसके बाद कर देना है आपको डन। इतना हो जाने के बाद आपको जाना नीचे वाले टूल में, आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करनी है, फोटो में जो विग्नेट है वो डाल देना अपनी फोटो के अकॉर्डिंग। एंड गाइस उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे ग्रेन माउंट मिलेगा, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड जाना आपको फिर नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन आपको उसको बढ़ा देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।